हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो भाई साहब, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग को देखा है कि मैं आया था अंगोल, और अंगोल में आया था चीमा कुर्ती। तो भाई साहब, अभी मैं चीमा कुर्ती के बारे में उतना सारा डिटेल में पता नहीं है, और मैं यहाँ पर क्यों आया था, किस लिए आया था, वो मैं वीडियो में, किसी भी वीडियो में, मतलब कि दो वीडियो बना चुका हूँ, और मैं बताया नहीं हूँ कि मैं किस लिए आया था। बस आपको बस वीडियो देखने को मिल गया था कि मैं आ रहा हूँ बक्सर से यहाँ अंगोल, और फिर एक बार आए थे चीमा कुर्ती मार्केट में हम लोग, मैं था और अमित था, मिंटू जिसको अमित बोल रहा हूँ, और अंकित भाई था। तो वो हम लोग आज से 4-5 दिनों पहले हम लोग वीडियो शूट किए थे, और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे किस लिए आया था, और इस पे मतलब अंगोल में क्या करने के लिए आया था, यही कुछ मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्यों आया था। और भाई साहब, अभी शाम के करीब 6 बजने को आया है, और इधर पता है, देख सकते हैं शाम हो चुकी है, मतलब कि किरण ढल चुकी है। और मैं व्लॉग शूट करने के लिए कई दिनों से सोच रहा था कि अब बताया जाए कि मैं कहाँ आया हूँ, तो मेरे को कोई जगह नहीं मिला था मतलब इस व्लॉग को शूट करने के लिए। तो मेरे को लगा कि हाँ, कहीं अच्छे से एरिया, मतलब इधर पहाड़ी बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी इलाका समझ सकते हो, इधर अंगोल के साइड पहाड़ी ज़्यादा है, और देख सकते हैं आप भी, इधर मैं साइड में स्क्रीन पर लगा दिया हूँ हाफ करके, आप लोग देख सकते हैं पहाड़ी कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत पहाड़ी है। तो मैं सोच रहा था आके कि पहाड़ियों पे जाऊँगा, तो मैं अपने जो किस काम के लिए आया हूँ वो मैं बताऊँगा कि मैं किस लिए आया हूँ। वो तो टाइम ही नहीं मिला था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैं किस लिए आया हूँ। तो आज जाके मतलब मार्केट हम लोग जा ही रहे थे, तो मैं सोचा कि क्यों ना मतलब ये झाड़ी वाड़ी दिखाई दे मेरे को, तो मेरे को अच्छा लगा कि सीन वीन भाई साहब बहुत अच्छा है यहाँ पर, अगर वीडियो एडिटिंग करेंगे तो बहुत ही कलरफुल दिखाई देगा एंड मज़ा भी आ सकता है। तो अकेले मैं नहीं आया हूँ, एक मेरा भाई भी है, वो मतलब सामने बैठा हुआ है, और मैं इधर सोचा कि ब्लॉग को शूट कर लूँ और आप बैठे रहिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि मैं किस लिए आया था, आप लोगों को हम बताते हैं। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक। हाँ जी, तो भाई साहब बात ऐसी है कि मैं जब YouTube अपना स्टार्ट किया था करीब 7 महीने पहले, तो उस समय मैं वीडियो बहुत कम डालता था, वीक में एक वीडियो डाल दिया करता था, और किसी दिन ऐसा भी समय आ गया था कि मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो डाल दिया करता था, इसे भी कहीं भी जाता था घूमने के लिए अपने संजीव भाई के साथ, जैसे कि आप लोगों ने हर एक ब्लॉग में संजीव भाई को आपने देखा ही होगा। और अभी मैं भाई संजीव भाई से काफ़ी दूर आ चुका हूँ, 2000 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, तो भाई संजीव भाई से तो एकदम मतलब इतना याद आता है संजीव भाई का, क्या ही आप लोगों को बताएं। और भाई साहब, मैं अभी मेन टॉपिक बात करते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। तो भाई साहब, ऐसी मेरे पास मजबूरी थी, घर की मजबूरी थी, कि मैं आपको शायद बताने में मेरे को हिचकिचाहट टाइप का हो रहा है कि मैं आपको बताऊं कैसे, बताऊं तो बताऊं कैसे, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है। भाई साहब, बात ऐसी है कि भाई पैसे वैसे की ज़्यादा घर पे प्रॉब्लम हो रही थी, और भाई साहब आप समझ सकते हो घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। भाई साहब, घर चलाने के लिए मेरे साहब पापा तो बस घर का राशन वगैरह चला लेते हैं, बट मेरे को राशन वगैरह चलाने के अलावा बहुत सारा काम भी होता है, और मेरा परिवार बड़ा भी है, काफ़ी बड़ा है, वो तो आप लोग शायद वीडियो में कभी देखे होंगे। तो वैसे मैं सबको वीडियो में लाया तो हूँ, लेकिन अभी पूरा डिटेल में नहीं बताया हूँ कौन क्या है या कौन नहीं है। तो भाई साहब, मैं अभी आया हूँ यहाँ अंगोल में चीमा कुर्ती, यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, और यहाँ मतलब कि आप लोगों को बताऊँगा किसी दिन, या वीडियो वगैरह बनाऊँगा कि मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ या क्या करता हूँ। जिस दिन मैं कंपनी का वीडियो बनाऊँगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। वैसे आप लोग बस नॉर्मली समझ सकते हैं कि मैं घर की जो पोजीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा बाहर चला आया। थोड़ा क्या मतलब, अब समझ सकते हो मैं इतना परेशान हो गया था कि अब मैं खुद चला आया इधर बाहर, कि चलिए ठीक है नौकरी करेंगे तो घर वर का खर्चा वर्चा चलेगा। और भाई साहब, अभी मेरा 12th में इस साल एडमिशन हुआ होता, तो एडमिशन तो भाई साहब अब करवाएँगे जुलाई में, अभी मई चल रहा है और एडमिशन जो है कि करवाएँगे जुलाई में, करवा लेंगे एडमिशन। बाकी भाई साहब नौकरी यहाँ करेंगे तो पढ़ाई वढ़ाई तो रद्द ही हो जाएगी भाई साहब। और मैं यहाँ आके फाइनल डिसाइड ये किया हूँ कि ये सब नौकरी वोकरी करने से मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, तो इसके साथ साथ मैं ब्लॉगिंग भी करने वाला हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भाई साहब ब्लॉग से भी कुछ हो सकता है। तो इधर मैं मतलब इधर आया हूँ, तो शाम को 4 से 4 चल रहा है, 12 घंटे का ड्यूटी है, 2 शिफ्ट में चल रहा है,
तो अभी हम लोग डे में हैं, एक वीक डे में रहेंगे, एक वीक नाइट में रहेंगे। तो जब जब मेरे को टाइम मिलेगा तो व्लॉगिंग में देता रहूँगा इधर, मतलब मार्केट में जो भी करता हूँ, मतलब जितना से हो सके, जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया इधर व्लॉगिंग देते रहूँगा। और इधर मतलब पहाड़ी इलाका है भाई साहब, मैं मतलब सोच रहा हूँ पहाड़ी पे जाने के लिए। जैसे कि मैंने अपने कुछ देर पहले आप लोग देखे हैं पहाड़ी, भाई साहब यहाँ से देखने में बहुत ही नज़दीकी लगता है पहाड़ी, और भाई साहब पहाड़ी बहुत ही दूर है। तो भाई साहब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस प्राइवेट नौकरी के साथ साथ मैं व्लॉगिंग भी करना चाहता हूँ, और शायद आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आए। और आप लोग वीडियो पसंद आए तो भाई साहब प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और सपोर्ट करते रहना कि भाई साहब मैं प्राइवेट नौकरी करके और ये ब्लॉग करके कुछ आप लोगों को दिखा सकूं, या दुनिया को मैं बता सकूं कि मैं भी क्या चीज़ हूं और मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट है। तो अभी मैं जा रहा था मार्केट के लिए, सब्जी उब्जी लेना था, और मेरे साथ मेरा भाई है, तो मैं अपने भाई से मिलवाता हूँ। तो भाई साहब अभी वो मेरा भाई साहब मतलब कैमरा नहीं अपने पास शूट करने के लिए, देख सकते हैं कैसा भी है, मोबाइल से शूट कर लेते हैं। अभी हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं, और चलिए अपने नितेश भाई से मिलवाता हूँ। वो थोड़ा सा हमसे तेज चल रहा है, और ये जो जंगली में हम लोग व्लॉगिंग शूट कर रहे थे उससे बाहर निकल चुके हैं, देख सकते हैं पीछे की तरफ में, पीछे की तरफ ये जंगल सा दिखाई दे रहा है। और जो मैं आपको पहाड़ दिखाने वाला था, जो आप लोगों को मैं पहाड़ दिखाने वाला था, ये देख सकते हैं ये पहाड़ है भाई साहब। तो इसी पे मैं जाना चाहता हूँ, वो जो आपको चोटी दिखाई दे रही है ना, सबसे फर्स्ट मतलब ऊपर वाली चोटी दिखाई दे रही है, उस चोटी पे मैं जाना चाहता हूँ, उसी चोटी पे मैं जाके ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग बस चीमाकुर्ती पहुँचने वाले, चीमाकुर्ती नहीं मच्छरा पालन पहुँचने वाले हैं, मार्केट में सब्जी वगैरह लेंगे, और भाई साहब मिलवाते हैं अपने बड़े भाई से। भाई साहब मिलिए हमारे नितेश भाई से, ये है हमारे नितेश भाई, गाँव के ही रहने वाले हैं, ये भी हमारे साथ रहते हैं, और हम लोग दोनों लोग मिलके साथ में अपना जो ड्यूटी करते हैं वो लोग साथ में हम दोनों लोग करते हैं। जाएंगे अभी सब्जी लेंगे, और वापस आने में भाई साहब मछरा पालन से करीब आधे घंटा डेढ़ घंटा लग जाएगा। भाई साहब ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ। आया हो भाई साहब तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जैसे आपको लगे या कुछ आप मेरे को बोलना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। और भाई साहब मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब नए ब्लॉग के साथ। बस आप लोग प्यार सपोर्ट ऐसे देते रहना।